आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ब्रेड का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। अगर आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो ब्रेड से बना हुआ ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई भी इसे खा सकता है और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे। तो इस तरीके का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 ब्रेड लिया है। हमने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड लिया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। अब हम इसे गोलाकार में काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने छोटा सा गिलास लिया है, उसी के सहायता से हम इसे गोलाकार में काट ले रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने पहले ब्रेड को गोलाकार में काटा है उसी तरीके से हम सारे ब्रेड को गोलाकार में काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे ब्रेड को गोलाकार में काट लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने कुछ आलू उबाल लिए हैं और अब हम इसे अच्छे से मैश कर ले रहे हैं। तो हमने सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम ले रहे हैं एक कटोरा। अब उसमें हमने एक कटोरी बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं हम। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और एक गाढ़ा घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे बेसन का एक गाढ़ा घोल बन करके तैयार हो चुका है। अब हमने लिया है एक कढ़ाई, उसे हमने गैस पर रख दिया है। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल दे रहे हैं। तो तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम उसमें एक चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं। तो जीरा चटक चुका है, अब हम उसमें एक चम्मच घिसा हुआ अदरक और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। अब इसे हम हल्का सा चला ले रहे हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद गरम मसाला डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अब इसके बाद हम जो हमने आलू को मैश किया है उसे हम कढ़ाई में डाल दे रहे हैं। अब इसे हम हल्का सा फैला ले रहे हैं और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और धीमी आंच पे अच्छे से इसे हम थोड़ा सा पकने दे रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ये पकेगा, जितने अच्छे से ये घुलेगा, मसाले वगैरह आलू में मिक्स होंगे, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल दे रहे हैं और इसको भी अच्छे से आलू में मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल दे रहे हैं। तो हमने सारे आलू के मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल दिया है और अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। तो जब से आलू ठंडा हो रहा था तब से हमने 2 प्याज को गोला गोला काट लिया है। तो आलू का मिक्सचर ठंडा हो चुका है और हम हल्का सा हाथ में तेल लगा करके जैसे टिक्की बनती है उस तरीके से हम मिक्सचर को बना ले रहे हैं। तो हम सारे मिक्सचर की 6 टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 टिक्की को बना लिया है। अब हमने एक थाली में 4 कटोरी ली है, अब उस कटोरी में हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके ग्रीस कर दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ब्रेड 6 लिया था, टिक्कियाँ 6 बनाई, प्याज भी 6 काटे, लेकिन कटोरी क्यों 4 है? तो घबराइए नहीं, वीडियो को आप पूरा पूरा देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमने चारों कटोरी में तेल लगाकर कटोरियों को ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमने बेसन के घोल को लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। तो जैसे ही बेकिंग सोडा डाल करके हमने इसे मिक्स किया, ये फूलने लगा है। तो अब सारी कटोरियों में हम ब्रेड को जो काटे हैं उसे डाल दे रहे हैं। अब इसके बाद जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं उसे भी हम सारे कटोरियों में डाल देते हैं। अब इसके बाद हमने जो गोला गोला प्याज काटा था उसको
टिक्की के ऊपर रख दे रहे हैं। अब जो हमने बेसन को घोल करके रखा था, तो एक कलछुल की सहायता से उसको हम कटोरियों में बेसन को डाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम बेसन के घोल को कटोरी में डाल करके कटोरी को भर देंगे। याद रहे कि कटोरी को पूरा भरना नहीं है, हल्का हल्का खाली ही रखना है, क्योंकि जब ये फूलेगा तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, कटोरी भर जाएगी। अब यहाँ तक का प्रोसेस हो चुका है, तो अब आती है बारी इसे स्टीम करने की। तो कढ़ाई में हमने थोड़ा सा पानी रखा है, फिर हमने स्टैंड रखा है, उसके बाद हमने जाली रखा है। अब हम एक जाली पे चारों कटोरी को रख दे रहे हैं। तो हमने चारों कटोरी को रख दिया है, लेकिन दो कटोरी का जगह अभी भी खाली है, तो हम इसे पहले ढक दे रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा हो जाए। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम दोनों कटोरी को भी अच्छे से भर ले रहे हैं, जिस तरीके से हमने चारों कटोरी को भरा है। तो यहाँ पर देखिए हमने ढक्कन को हटा दिया है और चारों कटोरियों को थोड़ा अगल बगल करके जगह बना ले रहे हैं, ताकि उसमें हम दोनों कटोरियों को एडजस्ट कर सकें। तो हमारी 6 की 6 कटोरी अच्छे से कढ़ाई में आ चुकी है, और जो हमने पहले 4 कटोरी रखी थी वो भी हल्का हल्का फूलने लगी है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं। तो 10 मिनट हो चुका है और अब हम ढक्कन को हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड का टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम सारे कटोरियों को एक थाली में निकाल ले रहे हैं, और अब हम इन सबको रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो ब्रेड का टेस्टी नाश्ता ठंडा हो चुका है, अब हम इसे कटोरी से बाहर निकाल दे रहे हैं, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, हम आपको दबा करके भी दिखा दिए हैं। तो इसी तरीके से हम सारे जो हमारा नाश्ता है उन सबको हम कटोरी में से बाहर निकाल दे रहे हैं। ये आगे से देखने में कितना अच्छा लग रहा है, और जब इसे हम तड़का दे देंगे तो ये पीछे से भी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और खाने में तो ये इतना टेस्टी है कि आप अगर एक बार इसे टेस्ट करेंगे तो आप बार बार इसे ही बनाना और खाना चाहेंगे। और बहुत ही आसान है इसे बनाना, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो हमने इन सब को कटोरी में से बाहर निकाल दिया है, अब आती है तड़का देने की बारी। तो कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें हल्का सा तेल डाल दे रहे हैं और तेल को भी गर्म कर ले रहे हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 चम्मच राई डाल दे रहे हैं, और राई को हम अच्छे से चटका लेते हैं। तो राई चटक चुकी है, अब हम यहाँ पे हल्का सा धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं, आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। धनिया पत्ता डालने के बाद हमने तुरंत गैस को बंद कर दिया है, नहीं तो धनिया का पत्ता जल जाता। अब देखिए हमने जो ब्रेड का नाश्ता बनाया था उन सबको हम इस तरीके से कढ़ाई में रख दे रहे हैं, और उलट पलट करके अच्छे से इन्हें सेक ले रहे हैं, ताकि जो राई है और धनिया का पत्ता है वो अच्छे से लग जाए, इसमें चिपक जाए और स्वाद भी अच्छे से बढ़ जाए। तो हमारा नाश्ता एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं। लेकिन एक ठो जो ब्रेड का नाश्ता था वो बचा रह गया था, तो उसे भी हम कढ़ाई में डाल करके अच्छे से उलट पलट करके सेक ले रहे हैं। कुछ रेसिपी ऐसी होती है जिनका नाम नहीं होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने पर वो बन जाती है। तो ये भी रेसिपी कुछ ऐसे ही बनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो बचा हुआ एक ठो था नाश्ता, ये भी हो चुका है, इसे भी हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो सारा नाश्ता प्लेट में आ चुका है, अब हम इसे धनिया के पत्ते से गार्निशिंग कर ले रहे हैं। अब साथ में हमने टोमेटो केचप रखा है, तो इसके साथ आप ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब इस नाश्ते को हम काट करके भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए कितने आराम से, कितनी आसानी से ये कट चुका है, और इसकी बीच की फिलिंग्स कितनी अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये है, और इसकी स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है, एकदम सौंधी सौंधी सी। तो आपको ब्रेड की नई रेसिपी का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द